प्रिय विद्यार्थियों, आज क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 की पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो का प्रथम स्टेंजा और उससे उद्धृत कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर इस प्रकार हैं। चैप्टर 1 जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यानी परीक्षा उपयोगी प्रश्न डस्ट ऑफ स्नो का फर्स्ट स्टेंजा है, जिसमें इस प्रकार प्रश्न बनता है, रीड द फॉलोइंग स्टेंजास एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। निम्नलिखित स्टेंजा को पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्टेंजा इस प्रकार है, द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि कवि एक दुखी मनोदशा में है और उसी अवस्था में वह जा रहा है और वह एक हेमलॉक ट्री यानी उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला एक जहरीला वृक्ष जिसके ऊपर बर्फ से वह ढका हुआ है और उसके ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है जो उसके ऊपर कुछ बर्फ के कण गिराता है। इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन इस प्रकार हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, वेयर वाज दी पोइट स्टैंडिंग, लेखक कहाँ खड़ा था। सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा था। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डज द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल, बर्फ के कण कहाँ गिरे। एंड लास्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ट्री वाज द पोएट स्टैंडिंग, लेखक कौन से पेड़ के नीचे बैठा था। अभी इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहाँ खड़ा था। इसका आंसर है, द पोएट वाज स्टैंडिंग नियर द हेमलॉक ट्री। जो पोएट यानी कवि है वो हेमलॉक ट्री यानी जहरीले वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था, उसके पास में। सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा था। तो द क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री, एक कौवा पेड़ पर बैठा हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डज द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल, बर्फ के कण किस पर गिरे। इसका आंसर है, द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरे। एंड नंबर फोर्थ क्वेश्चन है, अंडर विच ट्री वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि किस वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था। इसका आंसर है, द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर दी हेमलॉक ट्री, कवि एक हेमलॉक ट्री यानी एक जहरीले वृक्ष जिसकी भारत में धतूरे के वृक्ष की संज्ञा दी गई है उसके नीचे खड़ा हुआ था। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण पैसेज और जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।